सब हुई, पांव धी ए मार सुई। बहुत भगवान की कृपा होती है जब सत्संग कराने वाले को सत्संग करने का सौभाग्य मिले और सुनने वाले को सुनने का सौभाग्य मिले। यही है कथा, यही है शाखा दे शाखा प्रदाई, राम कथा सुंदर करदारी, संशय भंग उड़ावन धारी। इसके बाद की चर्चा हम कर करेंगे। आपसे एक और निवेदन है, जब हम भजन गाते हैं तो उस समय लोग होमवर्क करना शुरू कर देते हैं। होमवर्क का मतलब इधर से उठ के उससे हाथ मिला लिया, इधर से उठ के उससे हाथ मिला लिया, और आप कब आए और हमारे सामने उठ करके जा जाते हैं। वो समझते हैं भजन में डूब गए, हमें दिखाई नहीं दे रहा। हम डूबे डूबे भी देखते रहते हैं, ध्यान रखिए। डूब जाते हैं ऐसे डूबते हैं, मालूम है क्या बोले, जो मछली नीर में नीचे चली जाती है वो भजन जो करने वाला भक्त है उसको किसी प्रकार की सुखी नहीं मिले। नीर अगाधा जिन हरि भजन न एको बाधा। बोले डूब तो हम जाते हैं लेकिन डूब ऐसे नहीं जाते हैं कि आप लोग घूम रहे हैं हमारे सामने, वो भी हमें दिखाई ना दे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे राजा राम जी।